नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। गुजरात में बीजेपी को एक और झटका लगा। पाटीदार नेता निखिल सवानी ने बीजेपी छोड़ दी। निखिल का आरोप है कि बीजेपी के वादों पर भरोसा कर वो पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वो उनकी भूल थी। निखिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी पाटीदारों को धोखा दे रही है। निखिल कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और निखिल सवानी ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है। कल ही हार्दिक पटेल के करीबी और पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्हें पहले पेशगी के रूप में दिए गए। बीजेपी ने निखिल सवानी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी 22 सालों से जनता की सेवा कर रही है और गुजरात की जनता को उन पर भरोसा है। और हम आपको बता दें कि पहले बीजेपी ज्वाइन की निखिल सवानी ने और अब महीने भर में ही उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। निखिल, ऐसा क्या हो गया, पार्टी ज्वाइन करी, विदेश दौरे पे गए और 15 दिन बाद आके इस्तीफा दे दिया? मैं बीजेपी में इसलिए जुड़ा था, जो भाजपा की सरकार ने जो बीजेपी पाटीदार समाज की हित की बात थी, जो पाटीदार समाज के हित के पॉइंट टू पॉइंट आगे चले थे, जो 4 मुद्दे थे उसी हिसाब से मैं आगे चला था और इसी हिसाब से मैंने बीजेपी में ज्वाइंट हुआ था। लेकिन काफ़ी दिन हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 महीना हो गया, तब तक अभी तक कोई कुछ बनी नहीं है। और माननीय श्री गृह मंत्री प्रदीप सिंह जी बोल रहे हैं कि 409 कैसे, तो 409 तो एक गाँव में होगा, एक तहसील में होगा, एक जिले में होगा, तो पूरे गुजरात में कितने केस हो गए तो उसको भी मालूम नहीं है मेरे हिसाब से कि कितने केस पाटीदारों पे लगे हैं। उनमें से एक भी बात बनी है, बनी नहीं है। शहीदों को फंडिंग नहीं मिला है, जो सरकारी नौकरी की बात है वो कुछ नहीं मिला, उसी हिसाब से मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ। और देखिए, नरेंद्र पटेल ने बीजेपी में शामिल होने वाले वरुण पटेल पर आरोप लगाए। वरुण पटेल ने जी मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि ये सब कुछ आरोप चुनाव को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। इस वक्त खुद वरुण पटेल हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। वरुण, ये बताइए कि ये सारा मामला अचानक क्यों सामने आया और बीजेपी जहां उत्सव मना रही थी कि वरुण पटेल को हमने बीजेपी में ले लिया, वहां अब वो डिफेंसिव मोड पर आ गई है। भाजपा और पाटीदार फिर से एकजुट हो गए और भाजपा और पाटीदार फिर से एकजुट हो जाएंगे तो जो कांग्रेस के 43 MLA वो आने वाले इलेक्शन में 33 भी रहने वाले नहीं है। ये बात कांग्रेस जान गई है, कांग्रेस डर गई है कि फिर से पाटीदार तो भाजपा की ओर चल गए। वो किसी भी तरह कोई भी हथकंडे अपना के जो पाटीदार भाजपा की ओर जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है, इसलिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और चलो, मैंने ऑफर किया, मैंने उनको कैश दिया तो उनको मेरे खिलाफ कंप्लेन करवानी चाहिए। गुजरात में पुलिस है, गुजरात में कोर्ट है, वो क्यों कंप्लेन नहीं करते? मैं कंप्लेन के तहत उनसे लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और अल्पेश ठाकुर ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद अल्पेश ने केतन जोशी से खास बातचीत की, सुनिए। ओबीसी एकता मंच के अल्पेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ आधिकारिक तौर पर थाम लिया है। अल्पेश भाई, ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस का चयन ही क्यों? देखिए, हमने जनादेश सभाएं की थी, सोशल मीडिया के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे हुआ था, जनसभाएं हुई थी और टेलीफोनिक भी सर्वे हुआ था, तो सभी लोगों का, 25 लाख से ज़्यादा परिवारों का हमने एक जनता सर्वे किया था जनादेश सम्मेलन के माध्यम से। और 20 लाख से ज़्यादा परिवारों का ये कहना था कि देखिए, 25 साल से भाजपा है, जहाँ पे बेरोजगार है, जहाँ पे किसान खस्ताहाल है, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, जहाँ पे शराब पाबंदी फिर भी बेरोकटोक शराब भी की जा रही है, तो आप कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए। और मेरे लिए एक थोड़ा सरप्राइज ये था कि 2 लाख से ज़्यादा पाटीदारों का इसमें वोटिंग था, तो उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। तो मैं ये आपको बता दूं, ये हमारा जनादेश जो है, ये अल्पेश ठाकुर का कोई डिसीजन नहीं है, ये गुजरात के सभी तबके के सभी लोगों का जनादेश है और लोगों का ही कहना है कि देखिए, व्यवस्था बदलनी है, सरकार नहीं मान रही है तो आप सरकार बनाइए और सरकार ऐसी सरकार बनाइए कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी तबके को आंदोलन न करना पड़े।
और मेरे साथ मेरे सहयोगी केतन जोशी यहां पर ज्यादा अपडेट किए गए हैं। केतन, अल्पेश ठाकरे जो है वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं औपचारिक तौर पर, इसके मायने क्या हैं, आखिर मतलब क्या समझा जाए इसका बीजेपी के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? देखिए अनु, यह पूरे गुजरात में 51% वोट है वो ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड कास्ट का, और उनमें से एक कास्ट आती है ठाकुर समाज की। अल्पेश ठाकुर पिछले कई सालों से ओबीसी एकता मंच बनाकर गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और उनका यही मांग है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, दारूबंदी है, फिर भी बेखौफ लोग दारू पीते हैं, यहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिलता है। तो आज वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से जो ओबीसी वोट बैंक है वो थोड़ी सी भाजपा से कांग्रेस की ओर खिसकेगी। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये पारंपरिक कांग्रेस की वोट बैंक थी उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंग लगा दी है, तो अब जनता को तय करना है कि इस पर क्या है। लेकिन हाँ, एक जो बड़ा चेहरा आंदोलन का है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुआ लेकिन कांग्रेस में शामिल हुआ, तो आज है वो कांग्रेस थोड़ी मजबूत तो ग्राउंड पर गुजरात में दिखती है। लेकिन इसका ऐसा मतलब कतई नहीं है कि उन्होंने बाजी मार ली है, आगे भी कई सारी ओबीसी वोट बैंक है वो बीजेपी, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की ओर ढली हुई है। लेकिन अब अल्पेश ठाकुर जब पॉलिटिकल फेस बन चुके हैं तब लोग उनकी बात पर कितना विश्वास करते हैं वो देखना भी खास होगा। हाँ, केतन, एक और चीज ये कि वरुण पटेल जो है वो पाटीदार आरक्षण आंदोलन जब हो रहा था उस समय वो मुख्य चेहरा थे, बड़ा चेहरा थे उसके, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जो पाटीदारों का मुद्दा है अब वो ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि खुद वरुण पटेल ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि पिछले 8-10 दिन में जिस तरह से गुजरात में गतिविधियां तेज हो रही है, कई सारे पाटीदार नेता जो खासकर आरक्षण आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 1985 से हमेशा गुजरात का पटेल जो कि 18% वोट बैंक है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ऐसे में वरुण पटेल का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक स्टेप माना जाता है। और जो पाटीदार असमंजस में थे वो सही हद तक अब ये मानने लगे हैं कि अब आंदोलन जैसा कुछ रहा नहीं, एक आयोग की भी रचना कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए वापस एक गेन करता हुआ पॉइंट हम मान सकते हैं वरुण पटेल का भारतीय जनता पार्टी में आना। बहुत बहुत शुक्रिया केतन जोशी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, आगे भी सारे अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। देखिए, जी बिजनेस पोल में आज का हमारा सवाल भी यही है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या गुजरात में कांग्रेस जाति कार्ड खेल रही है, क्या सोचते हैं आप जी बिजनेस पोल का हिस्सा बनिए, ZBP ये हमारा कोड है, और अपना ऑप्शन हाँ, नहीं या कह नहीं सकते, कोई भी एक ऑप्शन अपना चुनिए और हमें भेज दीजिए 57575 पर। और इसी पर आप देखिए रात 8 बजे बिग स्टोरी बिग डिबेट, विकास पर भारी जातीय समीकरण, गुजरात में नोट लीला, मिशन गुजरात रेस 2017। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों के दल से मुलाकात कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले हो सकते हैं। यूएस इन यूपी प्रोग्राम के तहत अमेरिका की फेसबुक, कोका कोला और उबर समेत 26 बड़े कंपनियों के हेड योगी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में उद्योग के निवेश को लेकर खास बातचीत होगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी अमिता पारोल ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गई है। अमिता, अमेरिका की ये करीब करीब 26 कंपनियों के हेड जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, और क्या कुछ बड़े फैसले यहां निवेश को लेकर हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार हमेशा से ये चाहती रही है, सत्ता में आने के पहले भी उनका ये दावा था कि प्रदेश में रोजगार मिले खासतौर से नौजवानों को, इसकी भी उनकी कोशिश होगी, और निवेश कैसे हो इसका प्रयास होगा। तो यूएस एंड यूपी इस मकसद के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तकरीबन 26 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। चूँकि आज मुख्यमंत्री का बुंदेलखंड दौरा भी था तो तकरीबन 3:30 बजे
पहले मुख्यमंत्री वहां से लखनऊ के लिए चल चुके हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में ये सभी प्रतिनिधि जो कि अमेरिका से आए हैं वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जाहिर है कि जिस तरह से करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा कंपनियों के ये सब प्रतिनिधि होंगे तो यूपी में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के लिहाज से भी देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी यूपी एक अपना महत्व रखता है। तो अब ये देखना है कि ये जो सभी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी क्या बात रखते हैं और किस तरह से निवेश को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से तो है लेकिन क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है इसके लिए बैठक खत्म होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोबारा लौटेंगे, बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद सारा अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ लेते हैं तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसे लेकर नीति आयोग एक नए प्रस्ताव पर काम कर रही है। नीति आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें किसान किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ मिलकर खुद की शेयर्ड कंपनी बना सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने सरकार को नई स्कीम से जुड़े प्रस्ताव सौंप दिए हैं। इस प्रोजेक्ट में टर्मरिक स्टीविया जैसे हाई यील्ड क्रॉप पर फोकस होगा, साथ ही साथ इसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का भी प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में लागू किया जाएगा। स्कीम में मणिपुर काफी दिलचस्पी दिखा रहा है और फंडिंग के लिए नाबार्ड और कमर्शियल बैंकों से बातचीत भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट में एफएमसीजी सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय को भी जोड़ने पर विचार हो रहा है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, तो प्रकाश किसानों को लेकर नीति आयोग का जो ये बड़ा प्रस्ताव है इसमें मकसद यहाँ पर यही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों को इससे जोड़ा जाए और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरा कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और उसमें और ज्यादा प्रोडक्शन हो उसमें दिलचस्पी ज्यादा से ज्यादा किसान दिखाए इसके लिए सब हो रहा है। देखिए, फार्म इनकम को डबल करना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसको देखते हुए ये इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले जा रहे हैं जिसमें शेयर्ड कंपनी बनाने का प्रस्ताव है। और अहम चीज़ ये है कि फार्मर्स या ग्रुप ऑफ फार्मर्स किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ मिलके ये कंपनी बनाएंगे लेकिन मालिकाना हक जो है वो किसानों का ही होगा। जो किसान ये चाहते हैं कि उनको डिविडेंड नहीं चाहिए, वो कंपनी का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं लेकिन उनको अपना इनकम बढ़ाना है तो इस कंपनी के लिए अपनी ज़मीन लीज पर दे सकते हैं और किराए का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी एक मॉडल का पार्ट है। अहम चीज़ ये है कि इसमें हाई यील्ड क्रॉप को इसमें फोकस किया जाएगा और साथ में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे इससे 3 फायदे होंगे। एक तो अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी मिलेगी, किसान खुद कंपनी के मालिक होंगे, मालिकाना हक उनका होगा, प्रोफेशनल कंपनी होगी, उसके पास एक्सपर्टीज़ होगी, जाहिर तौर पे इसको मार्केट से जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। सरकार की जो नई पॉलिसी आ रही है उसके मद्देनज़र जो आउटपुट होगा उसको सीधे एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ा जाएगा तो जो प्रोडक्शन है उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से जो मैनफोर्स होगा, जो वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पर काम मिलेगा तो जाहिर तौर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे मकसद हैं जिसको देखते हुए प्रपोजल तैयार किया गया है। और कई बड़ी कंपनियां आप देखें, डाबर है या पतंजलि है या इस तरह की तमाम ऐसी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो इसमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं। और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है इन कंपनीज के साथ बातचीत भी शुरू कर दी गई है कि कैसे वो इसमें आगे आएंगी और कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स में कौन कौन से ऐसी कम्युनिटीज। और अब बात बाजार की, तो पूरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार करने के बाद आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी लौटी जिसकी वजह से सेंसेक्स 32,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 117 और निफ्टी 38 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियल्टी, तेल, गैस, आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और फार्मा में कमजोरी रही। बाजार का संकेत है वो प्योरली लिक्विडिटी पे है। यस, डेफिनेटली एक पॉजिटिव होप के साथ वेट कर रहा है कि जो हम कई क्वार्टर से अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो हर बार जब भी हमने बात की है कि अर्निंग इज
राउंड द क्वार्टर्स इंप्रूवमेंट इन अर्निंग इज नेक्स्ट टू थ्री क्वार्टर्स, वो नेक्स्ट टू थ्री करके काफी आगे तक हम आ चुके हैं। एंड आई थिंक जो हमारे को जिस चीज ने सपोर्ट किया है वो स्ट्रांग लिक्विडिटी ने किया है, और वो जो डोमेस्टिक फंड्स हैं, जो एक एक रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, उसकी वजह से हम यहां पहुंचे हैं। बट येस डेफिनेटली एक पॉजिटिव होप है, कुछ सिग्नल्स हैं कि अर्निंग्स इंप्रूव होंगी। और सीधा आपको रजत के पास ले चलते हैं। रजत, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, दिन भर एक रेंज में कामकाज करते रहे, उतार चढ़ाव उस रेंज में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन जो तेजी बनी वो लेटर हाफ में, इनफैक्ट आधे एक घंटे में काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई। दिन खत्म होते होते बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आया, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि 10,200 के लेवल को भी ब्रीच करेंगे। लेकिन एक सेक्टर जो लगातार तेजी में वो है टेलीकॉम। आज भी जो सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही थी वो टेलीकॉम सेक्टर पे ही हो रही थी। साथ साथ लेटर हाफ में चीनी शेयर्स बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स दे रहे थे, कई स्टॉक्स तो डबल डिजिट रिटर्न देते हुए नजर आए। साथ ही कुछ और पॉकेट्स चढ़ी जिसमें रियल्टी शामिल था, छोटे रियल्टी स्टॉक्स और साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। और मेटल माइनिंग खासतौर से स्टील कंपनियां जो थी और वहां पर भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज रिटर्न्स बेहतरीन मिले हैं। मैं एक एक करके आपको स्टॉक बताऊं तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स दिखाई देंगे उसमें भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट ही दिखाई देगा आपको। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी 940 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया, बहुत स्मार्ट मूव था, 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है अब। अंबुजा सीमेंट इस स्टॉक में भी तेजी बनी, कल नतीजे आने वाले उससे पहले तेज हुआ, जो गिरे उसमें सिप्ला इसमें बिकवाली थी। साथ साथ भारती इंफ्राटेल एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव बायस इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। लेकिन कहीं पैसा बना है पिछले कुछ दिनों में तो वो है टेलीकॉम। जियो ने 15% टैरिफ बढ़ा दी, ये एक और खबर निकल के आई थी। रिलायंस चढ़ा, साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया सेलर और भारती एयरटेल, दिन भर एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिला। सीमेंट शेयर्स मजबूत थे जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट इस स्टॉक में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। स्टील शेयर्स भूषण स्टील, वीजा स्टील, एमएसपी स्टील्स जो छोटे स्टॉक्स थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स, वहां पर आज एक्शन स्ट्रांग था। उत्तम गलवा 11% की तेजी के साथ बंद हुआ। और रियल्टी स्टॉक्स में फ्लेवर था आज स्मॉल कैप स्टॉक्स, कोल्टे पाटिल, पुरवांकरा, सेंटेक रियल्टी और अनंतराज जैसे स्टॉक्स में आज रिटर्न्स काफी शार्पली देखने को मिले हैं। चीनी शेयर्स जैसे मैंने कहा कि दिन के आखिरी में चढ़े, जिसमें धरानी और साथ साथ आंध्रा शुगर, राजश्री, थिरुवरुण जैसे स्टॉक्स में 8% से 12% के रिटर्न्स मिले। तो स्मॉल कैप का दिन था, लेकिन कल बड़े नतीजे हैं इन्फोसिस और HDFC बैंक जिसको क्लोजली ट्रैक करेगा मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, देश की पहली और सबसे बड़ी पावर एक्सचेंज कंपनी की शेयर बाजार में बेहद खराब लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर इशू प्राइस से 5% नीचे 1500 रुपए प्रति शेयर पर हुआ है। इशू प्राइस 1650 रुपए प्रति शेयर था। इशू 2.28 गुना सब्सक्राइब हुआ था और IPO के जरिए कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए। IEX इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट ट्रेडिंग सेगमेंट में सबसे बड़ा एक्सचेंज है और ट्रेडिंग सेगमेंट में एक्सचेंज का 99% मार्केट शेयर है। ट्रेडिंग के अलावा सेटलमेंट से जुड़ी सेवाएं भी कंपनी देती है। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संजय चंद्रा को जमानत के लिए 1000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। संजय चंद्रा के वकील ने कहा कि यूनिटेक 4,688 लोगों को रिफंड करने और 4,356 लोगों को फ्लैट आवंटित करने के लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर खरीदारों को रिफंड चाहिए, घर नहीं। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया था और मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। EESL M&M के बीच करार हुआ है। EESL करार के तहत M&M के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरिंग तैयार करेगी, साथ ही साथ EESL की अगले 5 सालों में 5 लाख गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के MD सौरभ कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह ने। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जिस तरह का ये एक करार किया गया है, पार्टनरशिप की गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, तो आगे चल के क्या हम देखेंगे और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके साथ अगर आप करार करते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें वापस रिटर्न बैक कितना वक्त लगता है उसको आने में? जो ये करार आज किया गया है ये एक इस मुद्दे से किया गया है कि जो इनएफिशिएंट चीजें यूज हो रही हैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो मोटर हो, उसको कन्वर्ट किया जाए। उसकी वजह से बिजली की बचत होती है, बिजली की सेविंग होती है, उससे कॉस्ट सेविंग होती है, और ये सब इनपुट कॉस्ट सेविंग है जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर और ज़्यादा
कॉम्पिटेटिव होता है कि आप अपना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बचा सकते हैं। जिस तरह से आज आपने बताया कि आगे चल के अगले 5 साल के अंदर करीबन 5 लाख जो गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाएगा, तो कितना इसके अंदर, लेकिन सर चुनौतियां जो हैं वो काफी ज्यादा हैं कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और सर क्या आप मानेंगे कि 2-व्हीलर के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफी स्कोप है और जो बड़ी गाड़ियां हैं जिस तरह से बस वगैरह वहां पर भी है? नहीं, इसमें हर तरफ से स्कोप है, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी हो। हमने एज अ कंपनी, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक ये देखा है कि हमारे लिए सबसे उचित इन्वेस्टमेंट करना अभी सरकारी गाड़ियों में, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी, ये सारा चार्जिंग सिस्टम सरकारी दफ्तरों में लगेगा जो कि आपके सरकार के कंट्रोल में है, और आपको कहीं बाहर जाके इसका कुछ करना नहीं पड़ेगा। एनटीपीसी ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो कंपनी पंजाब से डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनटीपीसी की कई राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन पंजाब के साथ ज्वाइंट वेंचर की शर्तों पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि एनटीपीसी डील में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, यानी कि जेवी का ऑपरेशन कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यानी कि उदय स्कीम के चलते रिस्क घटा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेट को बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसे राज्यों की गारंटी भी मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन में आने से एनटीपीसी को बदलते हालात में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। और अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके शेयरों को उसके वारिस अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेता है या फिर बेच देता है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहां इन वारिसों को लाखों करोड़ों के शेयरों की भनक भी नहीं होती, और यहीं से शुरू होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का असली खेल। कुछ एजेंट्स इन शेयरों को ट्रांसफर कर बेच देते हैं और असली मालिकों को खबर तक नहीं होती, लेकिन अब सेबी ऐसे एजेंट्स पर सख्त नजर आ रही है। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स पर सेबी सख्त नजर आ रही है। कई शेयर ट्रांसफर एजेंट्स सेबी के जांच के घेरे में हैं। शेयर ट्रांसफर का गैर कानूनी खेल, सेबी उन एजेंट्स पर शिकंजा कसने जा रही है जो मृत लोगों को धोखा दे रहे हैं। मृतकों के शेयरों का घाल मेल, दरअसल सेबी ऐसे एजेंट्स की जांच करेगी जो धोखाधड़ी से मृत लोगों के शेयर अपने नाम ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। मृतकों के फिजिकल शेयर ट्रांसफर मामलों पर सेबी की सख्ती दिखाई दे रही है। वहीं इस तरह के एजेंट्स ऐसे शेयरों को ट्रांसफर कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे होते हैं शेयर ट्रांसफर? दरअसल ऐसे एजेंट्स लावारिस शेयरों की जानकारी मिलते ही तुरंत हरकत में आ जाते हैं। ये धोखाधड़ी से अवैध अकाउंट्स में शेयर ट्रांसफर करते हैं। फर्जी पैन, आईडी कार्ड की मदद से डीमैट बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से शेयर हथियाने के बाद डीमैट कराए जाते हैं। डीमैट होने के बाद शेयर बेचकर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद अकाउंट से कैश निकाला जाता है। खबरें ऐसी भी हैं कि ट्रांसफर एजेंसियों, बैंक, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यह स्कैम करोड़ों रुपए का है और कई मामलों में तो उन शेयरों का भी गोलमाल किया गया जो डीमैट अकाउंट में होते हैं। वैसे ये गोलमाल सिर्फ शेयर ट्रांसफर का ही नहीं है, ये एजेंट्स उस डिविडेंड का भी गोलमाल करते हैं जो लोगों ने कई सालों से क्लेम नहीं किया होता। ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के लिए अपने शिकार ढूंढना भी बेहद आसान होता है। ये एजेंट्स कंपनियों की डिविडेंड देने वाली लिस्ट को जांचते हैं। जिन लोगों ने सालों से अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया होता उनके बारे में जांच कर अपना शिकार ढूंढते हैं, यानी सिस्टम की छोटी छोटी खामियों का फायदा उठाकर ये एजेंट्स करोड़ों का गबन कर रहे हैं। लेकिन अब सेबी इन पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।